सूरज नहीं नहीं सूरज गलती से हुआ, गलती से मारा मैंने आपको। I'm sorry सूरज, मेरे गलती से किया, I'm sorry। तुम्हारी गलती ने मेरी जान ले ली केसर। केसर? कभी कभी वो सूरज वहाँ पे, वो मैंने नहीं किया। सूरज केसर सुनो, तुम्हारा यहाँ रहना ठीक नहीं है, तुम अपने कमरे में चलो। सूरज केसर अपने कमरे में चलो। आजा सूरज का भूत इतनी आसानी से तेरा पीछा नहीं छोड़ेगा केसर। लेकिन कबीर जब डॉक्टर ने कह दिया कि इस डीएनए रिपोर्ट की कानूनी तौर पर कोई कीमत नहीं होगी, तो फिर भी उसके लिए इतनी मेहनत क्यों कर रहा है? क्योंकि तुम लोगों ने अभी केसर की हालत देखी नहीं है। वो खुद को इतना दोषी मान रही है कि वो किसी भी कीमत पर अपने आप को सजा देने पर तुली हुई है, और हम अच्छे से जानते हैं वो बेगुनाह है। और ये इतने भरोसे से क्यों कह रहा है तू? क्योंकि सूरज के कत्ल की पहेली में दो और दो मिलकर चार नहीं हो रहे हैं। मतलब ये कि हर बात केवल एक ही ओर इशारा कर रही है कि ये सब कुछ पहले से प्लान था। जो लाश मिली थी उसका चेहरा इतनी बुरी तरीके से कुचला हुआ था, वो कौन है ये पहचान पाना नामुमकिन था। उसके आसपास पड़े सामान से ये शिनाख्त की गई कि वो लाश सूरज की है, जबकि वो लाश सूरज की नहीं थी। जेल में केसर के ऊपर इतने सारे अत्याचार हुए, उसे मारने की कोशिश की गई, उसे पागल खाने भेजने की साजिश की गई। इतना ही नहीं, केसर ने हमें बताया था कि सूरज ने उस दिन पहाड़ी पर उसे बुलाया और उसे बहुत उकसाया, उसे जानबूझकर वो गुस्सा दिला रहा था ताकि वो सूरज को धक्का मारे। इन सब चीजों से एक ही चीज का पता लगता है कि ये सब कुछ पहले से प्लान किया गया था। और ये सूरज इतना बड़ा चालबाज है, ये हम तीनों से बेहतर और कौन जानता है? और जैसा कि तू ये सब बता रहा है, ये हरकतें वो सूरज ही कर सकता है। अरे तभी तो हम डीएनए टेस्ट कराने के पीछे पड़े हुए हैं। इस बार हम ये सूरज के मुखौटे को उखाड़ फेंकेंगे और उसकी सच्चाई पूरी दुनिया के सामने लेकर आएंगे। ये सब क्या हो गया है कान्हा? मैं अपने किए की माफी किससे मांगू, कैसे ठीक करूं सब? पर कान्हा आप तो जानते हैं ना, मैंने ये सब कुछ भी जानबूझकर नहीं किया। मुझे नहीं पता कैसे हुआ। बेशर्म, हितल का के हमारे बेटे को मार दिया, लेकिन कान्हा के सामने अब भी यही कह रही है कि जानबूझकर नहीं किया। काकी, तेरे दिल में एक बार भी नहीं आया कि जिस घर ने तुझे आसरा दिया केसर, कम से कम उस घर को तो ना बर्बाद करो। तुझे हम पर जरा भी दया नहीं आई, ऐसी हालत कर दी हमारे बच्चे की कि आखिरी वक्त में उसकी शक्ल तक नहीं देख पाया। ये देख, यही टी शर्ट पहनकर सूरज उस दिन घर से बाहर निकला था और कभी लौट कर नहीं आया। नहीं, तेरी वजह से तूने उसे मार दिया, उस मासूम की जान ले ली तूने केसर। नहीं 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 काकी, तुमने मुझे मार डाला केसर। आ!
मुझसे गलती हो गई, I'm sorry. मैंने नहीं मारा, मैंने कुछ नहीं किया, I'm sorry. गलती से हो गया. मैंने जानबूझ के नहीं, गलती से मारा, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कुछ नहीं किया, I'm sorry. मैंने नहीं किया. चुप, झूठ मत बोल, मेरे सामने चलाया तू नहीं है. गलती से हो गया होगा भाभी. मेरे जानबूझ के नहीं चलाया, मुझसे गलती से हो गया होगा. सॉरी भाभी, जल्दी आइए. क्या हुआ है भाभी? ये देखिए, सूरज की आखिरी निशानी जला दी इस केसर ने. आपने इस लड़की को घुसने क्यों दिया इस घर में? पर सूरज की निशानी उसने गलती से चल गया. अंबिका बहू संभाल के. क्या कर रही है अंबिका बहू? हाथ जल जाएगा. मत कर अंबिका बहू. गलती से तू रट जा यहाँ से. अंबिका बहू मान जा. अंबिका बहू हाथ चल जाएगा. अंबिका बहू मत कर. अरे मान जा, छोड़ दे, शर्ट जल चुकी है. बचा लो माँ, मुझे बचा लो, मुझे नहीं मरना माँ. मैंने जानबूझ के नहीं किया मासूम, मुझे नहीं पता, मुझसे गलती से हो गया. मैंने जानबूझ के नहीं किया, मैं आपके गुनहगार हूँ, मुझे माफ कर दीजिए मासूम. अरे मैंने जानबूझ के नहीं किया. ये चल वो खड़ी खड़ी देख क्या रही है? मदद कर ना, मदद कर. हाँ हाँ बाप, मैं कुछ करती हूँ. बेटा, ना मैं तुझे बचा सकी और ना ही तेरी आखिरी निशानी को बचा सकी. मासु प्लीज मुझे माफ कर दीजिए. मैंने जानबूझकर नहीं धक्का मारा था सूरज को. मुझे नहीं. निकल जाओ यहाँ से केसर. एक तो हमारे बेटे को हमसे छीन लिया और ऊपर से बहाने बना रही है. केसर, केसर तुम ठीक हो? मेरे ठीक होने से क्या फर्क पड़ता है कभी? घर में कोई भी ठीक नहीं है. सब कुछ खराब कर दिया मैंने सब की हालत की. कभी मुझसे गलती हो गई. कभी मैं क्या करूं? मैंने कितनी चोट पहुंचाई है केसर. संभालो अपने आप को केसर. अभी के लिए ज्यादा मत सोचो. मैंने सब कुछ बर्बाद कर दिया केसर. मुझसे गलती हो गई केसर. चलो हम बोल रहे ना, चलो. मासू, केसर, I'm sorry. Thank you.
भाभी उठ जाइए, अब बस भी कीजिए भाभी, कब तक आप अपने दुख को आंसुओं में इस तरह बहाती रहेंगी? रोना तो उस केसर को चाहिए। बात देख लिया, केसर को घर में लाने का नतीजा? अरे खुद तो पागल हो ही गई है, हमें भी पागल बना देगी। और मुझे तो समझ में नहीं आता कि आप चुप क्यों हैं? कुछ कीजिए बाप। मैं तेरे बापूजी से बात करती हूँ, वो भी क्या करेंगे, कबीर ने मजबूर कर दिया। मैंने सच्ची जानबूझ के नहीं किया था, मुझे नहीं पता वो शर्ट कैसे चल गई, पर वो शायद मुझसे गलती से चल गई होगी, तुमने देखा था क्या? कैसा, शांत हो जाओ, लंबी सांस लो और पानी पियो। नहीं कबीर, मुझसे नहीं चली वो, मुझे नहीं समझ में आ रहा है ये सब कैसे हो गया, मैंने नहीं चलाई वो शर्ट, मुझे नहीं पता। संभालो अपने आप को, तुमने कुछ नहीं किया। नहीं, तुम सुन रही हो हम क्या कह रहे हैं, तुमने कुछ नहीं किया। मैंने कुछ नहीं किया? पानी पियो। मुझसे नाराज है ना, पर वो तुम्हारी बात सुनेगी, प्लीज तुम उनके लिए डॉक्टर बुला दो, उनके हाथ जल गए। तुम पानी पियो। नहीं हम बुला रहे। मुझे नहीं चाहिए। इस लड़की की बातों में बिल्कुल मत आइएगा भाभी। अरे ये चिकनी चुपड़ी बातें करके बस कबीर को काबू में रखना चाहती है, और कबीर को तो जानती हैं आप, केसर जो कहेगी आंखें मूंदकर उस पर विश्वास कर लेगा। लेकिन आप ये गलती मत कीजिएगा भाभी, भूलिए मत, इस लड़की ने हमारे सूरज का खून किया है। डॉक्टर को बुला दो बस। बुलाते हैं कैसे? चल गया हाथ बेटा। केसर, 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 तुम किस मिट्टी से बनी हो यार, खुद के साथ इतना सब कुछ हो रहा है, फिर भी तुम्हारे मन में, तुम्हारे दिल में हमेशा दूसरों का ख्याल रहता है, पर तुम्हारी हालत भी ठीक नहीं है, जो गुनाह किया ही नहीं उसका एहसास तुम्हारे दिल और दिमाग में भर गया है, तुम्हें डॉक्टर की जरूरत है केसर।
मॉर्निंग। मैं तुम्हें बाद में कॉल करता हूँ। माँ, क्या प्रॉब्लम, क्या आपको क्या हुआ? मुझे क्या प्रॉब्लम है? तुझे समझ नहीं आता कि तुझे क्या प्रॉब्लम है अंश? ये क्या है? माँ एक मिनट होल्ड ऑन। ओके, देखो ऐसा कुछ भी नहीं है जो आपको लग रहा है। ओके तो बता कैसा है, तू बोल, मैं भरोसा करूंगी। क्या चल रहा है? माँ को टैटू के बारे में भी नहीं बता सकता, क्या करूं? माँ, हम दोनों से बात कर रहे हैं यार। वो तो दिख ही रहा है, पर प्रॉब्लम ये है कि अब पूरा शहर बात करेगा जब तुम दोनों का ये वीडियो लीक होगा। अंश, इस समय तुझे आगे बढ़कर अपनी जिम्मेदारी संभालनी है, अपने भाई सूरज की तरह इस बिजनेस को संभालना है, परिवार का साथ देना चाहिए, लेकिन नहीं, तुझे उस घटिया लड़की के साथ ऐसी घटिया हरकत करने में फुर्सत ही नहीं है। माँ क्या बोल रही हो यार? पहले अपनी जिम्मेदारी को समझ और फिर जितनी ऐश करनी है ना कर, वो ध्रुवी को दे। वो लड़की कितनी मेहनत से इस बिजनेस को संभाल रही है और तू इस घर का बेटा होने के बाद भी उस फालतू लड़की के साथ समय बर्बाद कर रहा है। माँ आप कैसी बातें कर रही हो यार, इस घर के बिजनेस पर ध्रुवी का भी तो इक्वल राइट है ना, तो आपको तो खुश होना चाहिए कि ध्रुवी बिजनेस को इतनी अच्छी तरीके से संभाल रही है। मैं ऑफिस जरूर जाऊंगा, लेकिन इसीलिए क्योंकि मुझे काम सीखना है, मुझे काम करना है, इसीलिए नहीं कि मेरा ध्रुवी के साथ कोई कॉम्पिटिशन है, समझे? जिस अनाउंसमेंट का हमारी इंडस्ट्री को पूरा बेसब्री से इंतजार था वो आज हम सबके सामने है। जी हाँ, राजगढ़ डायमंड्स एंड कुमार डायमंड्स ने एक साथ हाथ मिला लिए। भारत का भरोसा और यूरोप की टेक्नोलॉजी, अब दोनों एक साथ मिलकर काम करेंगी। हमें उम्मीद ही नहीं बल्कि पूरा विश्वास है कि हमारा नया रॉ डायमंड रेंज ध्रुव आप सबके कस्टमर्स के बीच इंस्टेंट हिट साबित होगा। But you know guys, जैसे ध्रुव तारे की चमक सिर्फ उसके लिए नहीं होती, वो अपनी रोशनी पूरे आसमान में बिखेरता है। इसलिए हमारी स्टार ध्रुवी राजगौर ने डिसाइड किया है कि हमारा पहला जॉइंट डायमंड रेंज ध्रुव प्रीमियम क्वालिटी में तो होगा ही होगा, लेकिन साथ साथ में अफोर्डेबल रेंज में भी होगा, ताकि हम अपने कस्टमर्स को अफोर्डेबल प्राइस की रेंज में डायमंड पहनाने का ऑप्शन प्रोवाइड करा सके। प्रतीक भाई, ये तो पूरी डायमंड इंडस्ट्री में तहलका मचा देगा। ऑल क्रेडिट्स गोज़ टू ध्रुवी, जिन्होंने अपने आइडियाज, अपनी मेहनत और लगन के साथ साथ अपना नाम भी इस डायमंड रेंज को दिया है। इनके बिना ये सब पॉसिबल था ही नहीं। अमेजिंग, ग्रेट, ये तो शुरुआत है ध्रुवी जी, आप इस बिजनेस को बहुत आगे तक ले जाएंगे। थैंक यू, लेकिन ध्रुव रेंज की प्लानिंग और एग्जीक्यूशन में प्रतीक का भी उतना ही बड़ा हाथ है जितना कि मेरा। नॉट एट ऑल गाइस, शी इज जस्ट बीइंग मॉडेस्ट। साहब आप हमारी मदद कर दीजिए, इसका कोई कसूर नहीं है, इसने कोई भी गुनाह नहीं किया है, पर इसने अपने मन में एक छोटी सी दुनिया बना ली है, उस दुनिया में चाहे कुछ भी हो जाए, बड़े से बड़ा, छोटे से छोटा, कोई भी गलती हो जाए, कसूरवार सिर्फ एक ही इंसान होती है, ये खुद। डॉक्टर साहब, पता नहीं इसे किस बात का पछतावा हो रहा है, हमें समझ में नहीं आ रहा, आप हमारी मदद कर दीजिए प्लीज। तुमने मुझे मार डाला केसर, तुमने मुझे मार डाला केसर। मैंने मारा डॉक्टर सूरज को, मैंने ही मारा, और मासू का हाथ भी मैंने ही जला दिया, सब कुछ मैंने ही किया है। केसर, मेरी वजह से पूरा घर बर्बाद हो गया, मैंने किया है सब कुछ डॉक्टर। इट्स ओके, सब ठीक हो जाएगा, मैं हूँ ना, सब ठीक हो जाएगा। हाँ, ये लो पानी पियो, सब ठीक हो जाएगा। डॉक्टर आप जरा साइड में आइए। देखिए, सूरज की डेथ की वजह से इनके दिलो दिमाग पर बहुत गहरा इम्पैक्ट पड़ा है, इनको बहुत ज्यादा एंजाइटी हो रही है, और अगर इनके सामने उस घटना के बारे में बार बार जिक्र हुआ तो ये इनके लिए खतरनाक हो सकता है।
ये बेटर रहेगा कि जब तक कोई ठोस वजह इनको ना मिल जाए कि ये उस घटना की वजह नहीं है, तब तक इनके सामने ना तो कोई सवाल जवाब किया जाए और ना ही कोई जिक्र किया जाए। और मेरे ख्याल से आपकी फैमिली में कोई भी मेंबर इनके अगेंस्ट नहीं है जो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली सूरज की डेथ को मेंशन करके इनको ताने मारे। तुझे तो नरक में भी जगह नहीं मिलेगी केसर, तूने जिस थाली में खाया उसी में छेद कर दिया। इसे बचाने के लिए तू ये सब ड्रामा कर रहा है, लेकिन तेरा झूठ भी इसके सच पर पर्दा नहीं डाल पाएगा कबीर। ये सिचुएशन इनके लिए बहुत खतरनाक हो सकती है, प्लीज ख्याल रखिए। हम समझ गए डॉक्टर।